कवर्धा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने साइबर सेल प्रभारी को लंबित गुम मोबाइल आवेदनों का निराकरण करने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान साइबर सेल ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य के 110 मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को प्रदान किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोबाइल फोन के गुम होने पर बिना घबराए नजदीकी थाने में शिकायत की जा सकती है। मोबाइल गुम होते ही आप मोबाइल को पहले थाने में जाके उसकी शिकायत करें, कंप्लेंट नंबर लें। थाने से भी IMEI स्कैन के लग सकता है या फिर आप खुद भी www.ceir.gov.in पे जाके वहाँ सर्विसेज में आप जा सकते हैं। उस सर्विसेज में ब्लॉक स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल का कॉलम आता है, उसको आप क्लिक करें। वहाँ पे आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, मोबाइल का नंबर, उसके IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड, डिवाइस का मॉडल। यदि आपके पास मोबाइल का परचेज इनवॉइस है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ गुम हुआ, किस तारीख को गुम हुआ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेंट नंबर और पुलिस कंप्लेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसको अपलोड करने के बाद वहाँ पे जो है वो आपका IMEI स्कैन में लग जाता है और जब भी आपका मोबाइल ऑन होता है तो उसके बाद आपको जो है वो इंफॉर्मेशन पुलिस द्वारा आपको दिया जाता है। इसमें ज़रूरी है कि जो मोबाइल नंबर आपका है, जो दो नंबर जो आपके गुम हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर को आप कंप्लेंट के बाद एक्टिवेट करें जिससे कि आपका उस पर आपका OTP आए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी।